आजकल आपने देखा होगा कि हम सभी कैसे ऑनलाइन YouTube पर वीडियोस देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो कॉल पे बातें करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी देते हैं, ऑनलाइन एक दूसरे को फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स भी भेजते हैं थ्रू ईमेल, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। पर कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये कैसे काम करता है? एग्जैक्टली, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरनेट के बारे में। द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स देम वर्ल्ड वाइड इज नोन एज इंटरनेट। अगर सामान्यतः मैं बोलूँ कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको वायरलेस बिना तारों के जोड़ने वाली एक टेक्निक है, तो वह है इंटरनेट, जिससे कि हम उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हुए इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। हम आजकल हर जगह इंटरनेट का यूज़ देख सकते हैं, हमारी सोसाइटी में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, बैंक्स में, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, और भी बहुत जगह हम इंटरनेट को कॉमनली यूज़ करते हैं। इन दिनों इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आप डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें या फिर COVID-19 के कारण हम फिज़िकली भी ना मिलकर इंटरनेट के द्वारा वीडियो डॉक्यूमेंट्स, फाइल और वीडियो क्लासेस ले रहे हैं। अब बात आती है इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1975 बाई अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, बट वॉज लेटर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर। माइक्रोसॉफ्ट री इन्वेंटेड एंड इम्प्रूव द इंटरनेट इन 1998। इंटरनेट सबसे पहले 1975 में एक एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा बनाया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के चलते वह ख़त्म हो गया था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसने इसे दोबारा तैयार किया था 1998 में। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये पिक्चर विंटन सर्फ की है, जिन्हें फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। अब हम इंटरनेट की बात कर ही रहे हैं तो हम सर्च इंजन को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सर्च इंजन एक महत्वपूर्ण जरिया है हमें इंटरनेट से जोड़ने का। तो चलिए, सर्च इंजन ऑर्गेनाइज लिंक्स टू मैनी प्लेसेस ऑन द इंटरनेट वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक कैन बी फाउंड। सर्च इंजन एक ऐसा प्लेस है, ऐसा अड्डा है, जहां पर आप किसी भी तरह की जानकारी को ढूंढ सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल सर्च इंजन्स आर गूगल, MSN, लाइकोस एंड नेटस्केप नेविगेटर। ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजन्स हैं जो कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि गूगल, MSN, लाइकोस एंड नेटस्केप नेविगेटर। और आज मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि गूगल सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो चलिए आइए, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में मौजूद गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। यह बेसिकली दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरह ही डबल क्लिक या फिर राइट क्लिक में ओपन ऑप्शन चूज़ करके खुल जाएगा। अब आपके सामने गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। सेकंड स्टेप इज़ आपको इनपुट एरिया, जहाँ पे आपका टेक्स्ट एरिया होता है, यहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन को लिखकर सर्च कर सकते हैं। हम लिखते हैं जैसे कि मैं ढूंढना चाहता हूँ नेचर, नेचर से जुड़ी पिक्चर्स, तो मैं लिखूँगा नेचर। देन अब मैं सर्च बटन पर क्लिक करूँगा। अब आपके सामने नेचर से जुड़ी
सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन मुझे पिक्चर्स चाहिए तो मैं इमेजेस पर क्लिक करूँगा। अब ये आपके सामने इमेजेस आ चुकी हैं। अब आप कोई भी इमेज को देख सकते हैं और उसे सेव भी कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको और भी रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।